एक दो दिन में दोस्तों अपनी दूसरी बैच आ जाएगी, मैं आपको उसका भी सेटअप दिखा देता हूँ। मैंने उसका भी सेटअप रेडी कर दिया है, या फिर मैं उसके ऊपर एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा, जिसके वजह से आपको चूज़ा आने से पहले क्या क्या सेटअप करना है वो देख सकते हो आप। बाकी इनका तो हर दिन का वीडियो हम लोग बना ही चुके हैं, और दो दिन तक मैं इनका वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद में अपनी नई बैच आ जाएगी तो हम लोग उसके वीडियो देखेंगे, और जब ये पूरी पोल्ट्री सेल हो जाएगी तब मैं आपको इसके ऊपर हुआ पूरा मुनाफा और जो भी घाटा मुनाफा जो भी हुआ है, कितने रेट से क्या रेट से चूज़े गए, सब आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। इसके लिए अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर लेना अगर वीडियो पसंद आए तो। दोस्तों आज पोल्ट्री का 28वां दिन है, 28वें दिन में हम लोगों ने इनको सादा पानी दिया है और फीड दिया हुआ है। कल से इनकी फीड की मात्रा फिर से बढ़ा दी जाएगी क्योंकि इनको फिफ्थ वीक चालू हो जाएगा, तो कल से इनकी फीड की मात्रा फिर से बढ़ा देंगे हम लोग। और दोस्तों एक दो दिन में हम लोग इनकी वीडियो बनाना बंद कर देंगे, नए चूज़े आएंगे उसकी वीडियो बनाएंगे। अगर इस बैच में कुछ अपडेट है तो मैं अपडेट देता रहूँगा। आप देख सकते हो अभी इनको फीड दे ही रहे हैं हम लोग, साथ साथ में इनको घास या हरी पत्ती आजू बाजू से जो भी मिल रही है हम लोग उनको ला के डाल रहे हैं, तो चूज़े अच्छे खासे उनमें बिजी हो जाते हैं, तो एक दूसरे को नोचते नहीं हैं। आज एक चूज़ा मिला था जिसको नोचा हुआ था, तो हम लोगों ने कुछ शॉर्ट आउट करके बच्चों लोग को जो मतलब आपस में फाइट कर रहे थे उनकी फिर से डीबेकिंग कर ली गई है। उनकी डीबेकिंग हम लोगों ने मशीन पे नहीं की हुई है, उनकी डीबेकिंग मैंने पकड़ से या अपना जो कटर रहता है उससे की हुई है, ज़्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी कट की है। दोस्तों मिलते हैं आगे की वीडियो में कल।